साथ में गलत व्यवहार ना कर सके। हमने बचपन से देखा है कि बच्चों के साथ में सबसे ज्यादा बस के अंदर छेड़छाड़ होती है, तो बसों में ये लोग लगातार सफर करते हैं। जयपुर के कनोडिया पीजी महिला महाविद्यालय में मुख्य अतिथि के रूप में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त एवं नोडल अधिकारी निर्भया स्क्वाड सुनीता मीणा ने छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन किया। छात्र संघ के सभी पदाधिकारियों को इस अवसर पर मुख्य अतिथि सुनीता मीणा ने बैज प्रदान किए। महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर सीमा अग्रवाल ने स्वागत संबोधन किया और छात्र संघ की ओर से 1 नवंबर से 30 नवंबर तक आयोजित 1 महीने के लिए निशुल्क आत्मरक्षा ट्रेनिंग की शुरुआत करते हुए छात्राओं को अधिकाधिक संख्या में इसमें भाग लेने के लिए प्रेरित किया। इस कार्यक्रम में महाविद्यालय की लगभग 1500 छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। निर्भया स्क्वायर टीम के सदस्य भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। इनके सहयोग से सुनीता मीणा ने छात्राओं को सेल्फ डिफेंस की कई टेक्निकल बातें सिखाई। छात्र संघ कार्यालय के उद्घाटन के साथ छात्राओं के सर्वांगीण विकास और आत्मरक्षा के लिए इस फ्री ट्रेनिंग की जो पहल की गई उसकी सभी ने सराहना की। कार्यक्रम का संचालन प्राध्यापिका डॉक्टर आंचलपुरी और छात्रा मुस्कान गुर्जर ने किया। कुतुब मेल के लिए आशा पटेल जयपुर। क्योंकि मैं पुलिस की भाषा में अगर बात करूंगी तो आप लोगों के दिल तक नहीं जा पाएगी। दिल की बात दिल तक तभी जाती है जब दिल से की जाती है, तो आप ही की भाषा में मैं आपको बताऊंगी। तो इस प्रकार से इन लोगों ने जो शुरुआत करी है इसको बोलते हैं सामने वाले को पटखनी देने वाली स्टाइल, यानी कि ये है मारने वाली स्टाइल। अभी आपको दिखाएंगे खुद के डिफेंस की स्टाइल, क्योंकि वही सब पार्ट अपने पास भी है, जो उसके पास है नाक अपने पास भी, वो अपने पर भी हमला कर सकता है, सिर पर अपने जितने भी वाइटल ऑर्गन से उन पर वो हमला कर सकता है, हमें चोटी पकड़ सकता है। तो ऐसी परिस्थितियों के अंदर अपने आप को ही बचाना है, तो अपने आप को सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।